हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीटू नॉलेज और मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी को आर्ली बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक और पिछली वीडियो में आपको ओवर टाइम के आवर्स को कैलकुलेट करना बताया था। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को देखना मिस कर दिया है तो उनका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप उसे जरूर देखिएगा। और आज हम किसी एम्प्लॉय के ओवर टाइम की पे को कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ डाटा ले रखा है और जिसमें वर्किंग आवर्स निकाल रखे हैं और ओवर टाइम भी दे रखा है। और ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। हर एक कंपनी के स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और मोस्टली जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, और अगर आप 8 घंटे से ऊपर काम करते हो तो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाता है। और यहाँ पे सुशांत अग्रवाल ने जैसे 30 मिनट्स ओवर टाइम किया, इसने 1.5 घंटा ऐसे करके यहाँ पे ओवर टाइम लिखे हुए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने इनकी पे कैलकुलेट करनी है। तो ओवर टाइम की जो सैलरी होती है वो भी एक्स्ट्रा होती है, जितने हमारे नॉर्मल वेजेस हैं उससे 1.5 गुना या फिर 2 गुना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है कि जो स्टैंडर्ड वेजेस है 1 घंटे के हिसाब से वो $20 है, और अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम कर रहा है तो उसकी सैलरी उसके स्टैंडर्ड वेजेस से 1.5 गुना हो जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया उसको जो उसकी सैलरी मिलेगी 20 × 1.5 करके मिलेगी, और हर एक एम्प्लॉय के 8 घंटे के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनेगी, 8 × 20, यही होगी ना, $8 × $20। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वेजेस पर 8 आवर्स हैं वो कितने होंगे हर एक एम्प्लॉय के, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, इक्वल टू 8 आवर्स इंटू, यहाँ पे मैंने मैनुअली 8 लिख दिया, और यहाँ पे H1 में जो हम लोगों ने $20 अज्यूम किया है, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ H1 को और मैंने एंटर कर दिया। और अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम नहीं करता तो उसको जो वेजेस मिलेंगे वो $160 मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ओवर टाइम की पे को कैलकुलेट कर लेते हैं। सुशांत अग्रवाल की ओवर टाइम कितनी है, 30 मिनट्स है, तो यहाँ पे इसके ओवर टाइम की सैलरी कितनी बनेगी। मैं अभी यहाँ पे इसके सिर्फ ओवर टाइम के पे की बात कर रही हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इक्वल टू का सिंबल दिया और एम्प्लॉय के मैंने ओवर टाइम वाले सेल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वेजेस को लेंगे जो हम लोगों ने $20 डिसाइड किए हुए हैं। तो H1 को मैंने सेलेक्ट किया, या तो आप $20 मैनुअली लिखोगे या फिर कॉमन जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, और इसको मैं कांस्टेंट रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं F4 वाले बटन को प्रेस करूंगी, क्योंकि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला कॉपी करके अगर नीचे तक लेके जाती हूँ तो ये जो वैल्यू है $20 ये चेंज ना हो। और यहाँ पे फिर से मैं मल्टीप्लाई का सिंबल दे रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ओवर टाइम वेजेस हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उसको 1.5 गुना मिलने चाहिए, तो या तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूंगी या फिर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने H2 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको भी मैं कांस्टेंट रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं F4 को प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे कॉलम और रो के आगे डॉलर सिंबल लग गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको 24 से, और अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको 24 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ। 24 मींस नंबर ऑफ आवर्स इन वन डे, और इसको मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे इसके आधे घंटे की जो पे होगी वो $15 होगी, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और चलिए इसको आगे तक कॉपी करते हैं और बाकी सबके ओवर टाइम की पे देखते हैं। इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके आई और इसने यहाँ पे सबके ओवर टाइम की पे को कैलकुलेट कर दिया, और इसको करेंसी में भी कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल में है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे गए, और यहाँ पे आता है करेंसी, और यहाँ सिंबल में मैं डॉलर सिंबल ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, और इसको मैंने ओके किया तो इसकी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो थी हमारी ओवर टाइम की पे, और अभी एम्प्लॉय की जो टोटल ग्रॉस पे है वो कितनी होगी वो देखते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू का सिंबल दे रही हूँ, और हर एक एम्प्लॉय की जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है वो 8 है, और जो स्टैंडर्ड जो उसका वेजेस होंगे वो 160 होंगे, तो 160 तो सबको मिलने ही मिलने हैं, तो इस वाले सेल को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको मैं कांस्टेंट कर रही हूँ
क्योंकि मुझे $160 हर एक को देने हैं जिन्होंने 8 घंटे काम किया है, और इसके बीच में मैं प्लस कर रही हूँ इसका ओवर टाइम। तो मैंने प्लस का सिंबल दिया और ओवर टाइम वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया G5 को और मैंने एंटर कर दिया। तो जो सुशांत अग्रवाल है इसको $175 मिलेंगे क्योंकि इसने स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा काम ज्यादा किया है। तो चलिए बाकी सबका देख लेते हैं कि सबको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे तक लेके आ रही हूँ और यहाँ पे सबकी एग्जैक्ट सैलरी आ गई है, आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स है ना ये कितना सिंपल, कितना आसान और कितना मजेदार है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बड़ा अच्छा और यूजफुल लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।